किसने कहा पहाड़ से नदी बहती है? किसने कहा पहाड़ से नदी बहती है? कभी आपने बेबस की आंख से बहता आंसू देखा है? कभी आपने बेबस की आंख बहता आंसू देखा है? मित्रों जी, एक निवेदन और करूं, देने को भगवान ने आदमी को क्या नहीं दिया? देने को भगवान ने आदमी को क्या नहीं दिया, फिर भी उसके मन में निराशा ही निराशा है। फिर भी उसके मन में निराशा ही निराशा है। समुद्र में आकर मिल गई सभी नदियां, फिर भी समुद्र प्यासा का प्यासा है। फिर भी समुद्र प्यासा का प्यासा है। चुनौतियों की बात हुई, नई कविता की बात हुई, आज पल पल मिनट मिनट में व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां हैं। आप अगर परिवार में तो, समाज में है तो, समाज से बाहर आप व्यक्ति विशेष से मिलने जुलने जा रहे हैं तो, विदेशों में जा रहे हैं तो, आपको हर पल लड़ना पड़ता है, चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ती है। और जिसके कारण आप ये मानकर चलते हैं कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हो गया, ताकतवर वो आदमी नहीं होता जो चुनौतियों से भागता फिरता है, ताकतवर वो व्यक्ति होता है जो चुनौतियों से डटकर मुकाबला करता है, ये समझकर कि आने वाला समय मेरे पास जो आएगा वो दूसरों के चुनौती में बच जाए, ये आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए, तभी आप लड़ सकते हैं। एक बात और कहूँ गर्मी जी, कविता के बारे में बातचीत हो रही है, छंद के बारे में बातचीत हो रही है, नई कविता के बारे में बातचीत हो रही है जी सर, मैंने बहुत नई कविताएं लिखी, बातचीत भी की मैंने, नए गीत भी लिखे मैंने, लिखा मैंने बराबर, मैंने तो लिखा कि आदमी प्यार से मजबूर न होने पाए, अपनी इंसानियत से दूर न होने पाए, और जब मजहब का हो रहा फिर से हरा चीर दो ताकि नासूर न होने पाए, प्यार से मजबूर न होने पाए। हम मजबूर नहीं है, हमें लड़ना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से दीवारें खड़ी की जा रही है, मेरा निवेदन ये कि नदी में नहाते समय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी सब नदी के पानी में नहाते हैं, तब वहां कोई जात पात नहीं होता। बहती हुई नदी में कोई जात पात नहीं है, कोई रंग भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, मगर बाकी समय में आप इन सब चीजों के लिए दीवार खड़ी करते हैं। ये दीवार खड़ी करने वाले हम लोग हैं, और हमें इन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए हमारे पास, साहित्यकारों के पास हथियार है। जो मौन नहीं है, सर ने कहा जो मौन नहीं है, हम हमारे पास है, हमारे पास चुनौतियों से लड़ने के लिए हमारे पास शब्द है, शब्द ब्रह्म है, उनको उपयोग हम कर रहे हैं। और जो हम करते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रखिए, आप ये मत सोचिए कि शब्दों का प्रभाव, रचनाओं का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता, पड़ता है। अगर न पड़ता होता तो जमाने में जो आप बदली आप देख रहे हैं, जो परिवर्तन देख रहे हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलता। क्या सब परिवर्तन जो देखने को मिला उसके पीछे कहीं ना कहीं तो है, जहाँ पे हमको सिद्धांत करना पड़ता है कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा जा रहा है। आप सब जितने बैठे हैं सोचिए, आप कहाँ थे, कहाँ से क्या क्या पढ़ लिख कर आप क्या क्या बन गए, क्या क्या बन गए, सबके नाम अलग अलग हो गए। बस सिर्फ इतना ही क्या आपने, आपने थोड़े से कपड़े बदल लिए, कपड़े बदलते ही आप इंस्पेक्टर हो गए, कपड़े बदलते आप डॉक्टर हो गए, कपड़े बदलते ही आप राजनीतिज्ञ हो गए, कपड़े बदलते ही बात बढ़ाते ही आप साहित्यकार हो गए। वाह वाह वाह, कैसा बदलाव आ गया इस जमाने में, आप किस जिंदगी को जी रहे हैं, हम कैसा मुखौटा लगाकर जी रहे हैं। मैंने एक जगह पर लिखा, होली में चार लाइनें लिखी, संकेत में बात बन गई, महोदय महोदय आपके चेहरे पर जो नया एक नक्शा लगा रखा है, कृपया इसे हटाइए, अरे साल में एक बार तो असली चेहरा दिखाइए, साल में एक बार तो असली चेहरा दिखाइए। एक परिवर्तन हुआ, मैं आपको संकेत करना चाहता हूँ, मैडम बैठी हुई है और आप सबसे क्षमा चाहते हुए भी, क्योंकि मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ और मैं व्यंग के माध्यम से एक महिला क्यों मेकअप करती है, क्यों करती है, इसको विषय बनाया, मैंने शीर्षक उसका दे दिया हेयर डाई।
यह टाइम में हमारे बहुत से लोग मित्र भी आते हैं, हम भी आते हैं, मगर मैंने परिवर्तन नहीं किया। मैंने परिवर्तन नहीं किया, उसके लिए भी मैंने पंक्तियाँ लिखी, दो पंक्तियाँ लिखी, एक नया रूप धर लिया मैंने, ये सफेदी चौकी है, एक नया रूप धर लिया मैंने, अरे काला धन था सफेद कर लिया मैंने, एक नया रूप धर लिया मैंने, काला धन था सफेद कर दिया मैंने। अब आपको रचना थोड़ा चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपसे बात कर रहा था, एक रचना और शायद बात आप तक पहुँच जाएगी। देखिए पंक्तियाँ देखिए, हमारी पत्नी डॉक्टर साहब एक संकेत में तो व्यंग के माध्यम से हाथ से भी मगर एक परिवर्तन मेहमान है हमारे लिए, चलती फिरती ब्यूटी पार्लर की दुकान हमारे लिए, चलती फिरती ब्यूटी पार्लर की दुकान है। जब भी ब्यूटी पार्लर से निकलती है 50 के बदले 25 की दिखती है, 50 के बदले अरे 25 की दिखती है। और ये उम्र हमने कहा, हमने कहा ये उम्र और ये मेकअप, उन्होंने कहा सेटअप, हमने कहा ये उम्र और ये मेकअप, उन्होंने कहा सेटअप, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली तो जलने लगे, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली तो जलने लगे, हाथ के आंचल को देखकर, आपके काजल को देखकर हाथ बनने लगे,